तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम जा रहे हैं जिम, और आप कौन सा प्री वर्कआउट गाना सुना रहे हैं? कोई बहन के टके जो केंदे आप दे हटे भाई, लिरिक्स ही खराब। कहता है ये गाना प्री वर्कआउट है। भगवान इतनी कहा ले गया उस गाने को। तो आज से आपको जितने भी रील्स दिखेंगे वो ये शूट करेगा, और मैं खुद भी जिम करूंगा। हाँ, और मैंने इसे इतना मोटिवेशन दिया कि पीछे पहले 3 पुलअप मारता था, 12 पुलअप मारता है। आज दिखाऊंगा, अगर आज मेरे सामने 12 मारे तो मानूंगा। चलो 13। चल ठीक है, कितने पुलअप मारेगा? चल भाई 13 पुलअप पे आज तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा। सांस तो ऐसे ले रहा, 150 मार देगा। तो और बहन चो तगड़ा हो गया लड़का। चार, नाइस यार, 5, नाइस, 7, 8, 9, 10, 11, मैं 2 और। चल काउंटेड, एक और लास्ट। चल काउंटेड काउंटेड, पर तुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मुझसे ज्यादा कोई आलसी नहीं हो सकता। स्प्लिट चला के बाद अब जा रहा हूँ मैं अपने जूते धोने, सॉरी धोने के लिए। पता क्या बात है, वापस 16 क्या बात है? आज क्या तारीख है? आज है 11th। एक महीना हो गया मैंने अपने जूते धोने में नहीं दिया। आज देने जाऊंगा अपने जूते धोने के लिए। और ये हमारे कैमरामैन जिन्हें हमने जिम में बताया, मेरे जिम में ना शूट करने के लिए वो लोग 1500 रुपये लेते हैं पर दिन के। तो हमने जिम की तो मैंने काम किया, मैंने कहा सर, मैंने उन्हें बोला कि 7 दिन के लिए आए, मैं तो 7 दिन के लिए कितने फिर कहते बॉडी के पॉल सर, मैंने कहा ठीक है लो बॉडी के 1500 तो ज़्यादा कम ही है, अब ये जो मर्जी करें। ये वर्कआउट कम करता है, मेरा शूट करता रहता है। हमने 1000 रुपये बचाए बॉडी के, देख रहा अब जल्दी जल्दी मेरी रील लाइक करके और कितने पैसे खर्च होते हैं। सर कुछ काम धंधा कर लिया करो। सर काम धंधा ही कर रहा हूँ, क्लाइंट से बातें चल रही। क्लाइंट से ब्लडी पिंप लगता तो है तू एकदम। आईपीएल चल रहा, बुकी तो नहीं है तू? नहीं नहीं सर। देख के लगता तो है, तुझे वाइब तो आती है मुझे थोड़ी थोड़ी। सर सेम टू यू। मैं तो छोड़ चुका, मैं ये काम छोड़ चुका, बुकी वाले काम छोड़ चुका। पहले पहले कभी जमाने में था, अब तो नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है भाई। वॉकिंग में कैसा रेस्ट? वॉकिंग में जब गाइस नॉर्मल वॉकिंग में क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक बार बताओ, इससे थोड़े से लेग्स क्या कर लिए, इसे लगता है इससे तो नहीं क्या कर लिया? हाँ बोल भाई। राइट वाला पैर दर्द होता है यहाँ से पूरा इधर तक सब। भाई स्ट्रेच करके चल, मैं तुझे बताता हूँ, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन है। बेस्ट नहीं कहा मैंने, इजीएस्ट एक्सरसाइज का, इजीएस्ट। भाई ये इतनी सी चढ़ाई को ये बंदा कह रहा है अपहिल है, अपहिल। भाई से मैं ट्रैक पे ले जाऊंगा इसका क्या होगा? देख अमन सर, मैं तुझे एक चीज बता दूं, जब तक मैं देहरादून ना पहुंच जाऊं, yes. मैं अपने घर वालों से ना मिल लूं, तब तक मेरे से कम बकैतियां की हो। अच्छा, आज तो आज तो चाटा ही खा, आज तो चाटा ही खा सकता है मेरे से। भाई मूड ही नहीं है मजाक करने का, मत कर। कहीं सी इतनी सी अपहिल को अपहिल कह रहा है, मतलब बताओ ये देहरादून में कैसे रह लूं? तू कभी जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ा है? हैं तो ये क्या है तेले फिर? अरे तो भाई जिम भी तो करके आ रहा है 2 घंटे। अरे यार जिसमें जिम मैंने किया है इसने वीडियो बनाई है। कुछ भी भाई कुछ भी, मैंने लेग्स किए, मैं चल रहा हूँ नॉर्मली, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है पर दिखाऊंगा थोड़ी। लाइफ पे कितना भी दर्द हो ज़रूरी नहीं है कि दिखाना है, है ना? 3 किलोमीटर भागना है, इसके लिए भागना होता है पागल साले। 15 किलोमीटर भाई सुनो, मैं ना ट्रेडमिल पे 15 किलोमीटर पर घर की स्पीड से 1.5 किलोमीटर भागा हूँ। फिर भी इससे चला नहीं जा रहा, क्या फायदा? मत चला करो गाइस, जितने भी लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं दौड़ते हैं कोई फायदा नहीं है। अरे आप तो आराम भी तो चाहिए। आराम तो भाई तुम्हें आता कॉफी पीने? मैंने तो पूछा देर से, मेरा तो मूड ठीक नहीं था तो मैं आ गया अपनी फेवरेट चीज पीने। मैंने कभी नहीं कहा मैं यहाँ तो पैदल ही आऊंगा, घर से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हम लोग, बेकार हो गए। अभी नहीं चल सकता यार, वीक जीन्स। अंकल आंटी इसके जीन्स वीक हैं।
सॉरी अंकल आंटी सॉरी और आज मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का डे 6 सुबह हम लोग अपने भाई हर्ष के साथ लाइव थे अभी गाइस सुनना इसमें क्या मजा आएगा वो तो हटा दे पर पार्ट मैंने चलो स्क्रैच कर अबे यार तू डिलीट कर दे भाई एक्शन कर दो शेक और दही पूरी क्या है दही तो हमने पूछा ही नहीं पता मैंने क्या खाया है कैसे मिस कर सकते हो तो हमने लिए वॉफल्स मैंगो शेक और दही पूरी हाँ वो कहाँ पे था पार्ट वाला पता नहीं हाँ शीला जी था यार एक मिनट हाँ ये यूजुअल हमने जिम जाने से इसका दाय यूजुअल हमने जिम जाने से पहले लिया अपना केसेस अरे वो बोल दिया कर बोलो मैं काब्स की कभी 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 ना हाँ ठीक है अब ये आगे पहले से पहले मैं कट मारता हूँ गायब अब सुनना अभी सुनना मैंने क्या बोला जब वॉइस ओवर पढ़ना पढ़ना बंद कर तू नहीं नहीं सर मैं सुना तू अभी आवाज़ आएगी नहीं इनको अरे कोई दिक्कत नहीं तू सुना अच्छा मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ लोगों को आएगी ना भैया बोल दो कर दूंगा बात बीचों बात तो हुई थी केसव शीला जीत बना तो एक ही जगह पे है तो वही छोड़ कॉपी पेस्ट कर दो क्या दिक्कत है भाई इतना बेवकूफ बनाता है तेरे पैसे काटूंगा मैं तेरे पैसे कटेंगे काट दो इसको 400 रुपए पर रील के मिलते हैं इसे मिलेंगे 100 रुपए बस इतना सस्ता हूं मैं करीब साला करीब वो लगा अरे एक और था एक और बहुत बढ़िया था एक और कौन सा था अरे यार वो ये था क्या कहते हैं दही बड़े था नहीं दही बड़े था नहीं एक जगह और खाली धीरे आपने मेरे को याद है चलो गाइस अभी सो जाता हूं क्योंकि सुबह मेरी फ्लाइट है अभी मैं कुछ बता ऐसे दो चार लोग और मिल जाए जीवन में के बजे एक मिनट पहले लाइट मार दूं मुझे हाँ इंसान दुखी भी हो तभी खुश दिखना चाहिए मैं कह रहा था हाँ तो कल सुबह हमारी फ्लाइट कितने बजे फ्लाइट हमारी 12:30 तो कल हमारी फ्लाइट है 12:10 हम वापस जा रहे हैं देहरादून क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है और कुछ नहीं कल मिलते हैं एयरपोर्ट पे इस तरह बकचोदी नहीं हो रही मेरे से तुमने किस तरीके से बोला मुझे बहुत जरूरत है भाई पता दिक्कत है मैं ये कैमरा खुलते ना मैं अपना दुख नहीं दिखाना चाहता मैं कुछ ऐसे भैया तो अमन कैसी लग रही है तो अमन कैसी लग रही है तुम्हें जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है सर कुछ दिनों पहले मुंबई थे हम सीधा देखो कुछ दिनों साले अभी सुबह मुंबई था हां वही मैं कह रहा हूं इस पैसा फूकना वो नॉट यू बाय इसको मैंने एक टिकट दी थी 16 तारीख की वापसी की हाँ। वो पता नहीं उस टिकट से कौन आएगा अभी क्या तारीख है आज तारीख है सर 12 ऐसा हो सकता है कि हम 14 को वापस जाएं फिर तो 16 को उसी टिकट से वापस आए भैया मैं 14 तारीख को आपको दिखूंगा नहीं तेरा दोनों मैं फोन स्विच ऑफ करके सो मेरे साथ ही है मुझे शूट करने भी मेरे 3-4 यू कैन मीट मी आप देहरादून में तो शूट हो सकता है बाकी कहीं नहीं हो सकता हां देहरादून में करेंगे ना देहरादून में करेंगे बढ़िया बढ़िया शूट सेक्सी सेक्सी 17 तारीख से मेरा जो कराना है करा लो घर के बाद सो जाएंगे तब तक कैमरा मैन अमन के साथ मैं रिपोर्टर शिवेंद्र कुमार साइनिंग सॉरी यार मैं देहरादून आके ना भूल ही जाता हूँ कि मुझे ब्लॉग भी करना है सबसे पहले तो तुम ये पेड़ देखो ये ना मेरे घर वाले इस पेड़ को कब से कह रहे थे कि पिछले 4-5 साल से काट दो दीवार गिरेगी मैंने कहा नहीं कटेगा ये पेड़ बिल्कुल नहीं कटेगा पेड़ आज देखो इसने क्या सुंदर फूल दिया ना देख के मुझे इतना खुशी हो रही है हाँ तो मैं अभी जो बात करने आया था वो ये थी कि गाइज मैं देख रहा था जब मेरी और अनिका की थोड़ी लड़ाई हुई थी बीच में तो इंस्टा पे लोग इतने खुश हो रहे थे आई एम लाइक किसी की लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है सब खुश हो रहे
आई मीन वाओ, लोग कह रहे थे हम प्रैंक कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे नहीं होता, हमसे एक्चुअली होगा ही नहीं कि शो के बाहर हम, अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हम शो तक कंटिन्यू कर लें और उसके बाद ख़त्म करें जो भी हो हमारा। इट वॉज कि हाँ हमारे कुछ बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, लड़ाई हुई और ठीक है अब सॉर्टेड है ना। मैं पहले बोलता हूँ, मैंने शायद थोड़ा इमेच्योर एक्ट कर दिया, शी वॉज राइट एट फ्यू पॉइंट्स, तो ठीक है नाउ वी आर सॉर्टेड, वी आर हैप्पी एंड वी आर हैप्पीली टुगेदर, खत्म। तो जितनों को खुशी मिल रही थी क्यों इनका टूट गया, सॉरी यार, सो सॉरी, क्या कर सकता हूँ। वो बैठा है ऊपर, वो देख लेगा, तुम स्ट्रेस मत लो मेरी इतनी, मतलब। एंड मैं आप लोगों को बोलूँगा गाइस, एक दो दिन में इतना जल्दी जज मत कर लिया करो, ठीक है हमारी लड़ाई हुई थी जो भी हुआ था, मतलब थोड़ा जल्दी नहीं आप लोगों ने कर दिया था कि एंड हो गया इनका ये वो, आई मीन नहीं हो गया था जल्दी यार, हमारी हम हैं अभी भी हैं आगे भी रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी आई गेस जैसे हमारा हालात है, बट द पॉइंट इज कि द वे वी फील फॉर ईच अदर दैट इज़ डिफरेंट। वो कैसे ग्रो हुआ वो आप शो में देखोगे और शायद आप रियलाइज़ कर पाओ कि रियलिटी शोज फेक नहीं होते, बहुत लोग करते हैं फेक अंदर, बट देयर आर पीपल लाइक मे बी अस मे बी सम अदर पीपल टू हु डजंट फेक हु गेट्स अटैच टू पीपल दे आर प्लेइंग विद और पीपल दे आर इन द शो विद, ठीक है बाकी सब सॉर्टेड है। आज शायद ये कल अपलोड होगा ना ब्लॉग, तो एक एपिसोड आ गया होगा, आई डोंट नो उसमें क्या क्या आने वाला है, मैं देख भी नहीं रहूँगा इस, मेरे को ना इतना ज़्यादा अजीब लगता है शो देख के, मैं तो बस इसको देख के इतना खुश हो रहा हूँ यार, ये पेड़ देखो वो सनसेट देखो, आई मीन देहरादून आके ना मेरे को खुशी से मिलती है, मैं खुश सो जाता हूँ शांति एकदम लाइफ में। ऐसे देहरादून आया इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ कैसे लड़ाई हुई थी, आई वॉन्टेड टू कम बैक होम सो दैट मैं थोड़ा पीस आउट रह सकूँ। बाकी गाइज वी वॉन्ट कम लाइव टुगेदर, मैं चाहता हूँ जितने मेरे फैंस हैं, वी आर सो सॉरी हम लोग साथ में लाइव नहीं आने वाले, क्योंकि फिर पता क्या होता है लोग कहते हैं शो ऑफ कर रहे, वो हमें आदत नहीं है। मैं भी व्लॉग में वो बात इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन बताना भी नहीं था कि मेरी लड़ाई हुई है शॉर्ट हो गया जो भी, दिस नो पब्लिक स्टंट, मैं व्लॉग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है व्लॉग वही लोग देखेंगे जो हमें पसंद करते हैं या जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे एक्चुअली फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं भाई हैं जो भी, तो उन्हें पता हो उतना बहुत है मेरे लिए। वो देखने की चिड़िया है उस पेड़ पे, अगर तुम्हें दिख रहा हो, आईफोन में जूम अच्छा नहीं है, पर चलो कोई नहीं। हाँ और मैं इसमें थंबनेल भी नहीं लगाऊंगा कि किसी को पता चल पाए कि अंदर मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ। बाकी अभी चलते हैं जिम, शाम को दोस्तों से मिलेंगे, आपको मिलाते हैं, थोड़ी बकायती दिखाते हैं। दांत दिखाओ, दांत दांत तो दिखा भाई, प्लीज दिखाना, नहीं दांत दिखा दांत। किसने तोड़वा के आया? मैं क्या की यार, शीशे में, शीशे में। भाई इसलिए कहते हैं लड़कियों से ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, ऐसे दांत टूट जाते हैं। देखा शीशे में दांत, देखा कहाँ है भाई ने अपनी बंदी से पंगे लिए थे, बंदी दांत तोड़ के चली गई। तेरी लाइफ में है इतनी लड़कियां ना, बताओ, दांत नहीं है तो इतनी लड़कियां, दांत होते। ओह दैट्स माय मोटापा आफ्टर आई गेस कितने दिन हो गया, आज आठवां दिन है सिंस आई एम फॉलोइंग माय शेड्यूल और मैं बहुत सीरियस हूं अपने वर्कआउट्स को लेके। वन मोर थिंग गाइस जो मैंने कभी इससे शेयर की थी, बट मेरे को ना कभी नज़र वगैरह मिली नहीं होगा, बट मेरा कुछ बहुत कुछ ख़राब चल रहा था लाइफ में, तो मैं वापस घर आया और मैंने अपनी मम्मी को बोला, तो मम्मी और बुआ को बोला एक्चुअली, मैंने सेम थिंग कॉमी, बट तो मेरी बुआ ने मेरी नज़र उतारी एंड यू वोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं करता आपको भी बताऊँ, बट उतारते ही मेरी अनिका से लड़ाई सॉर्ट हो गई एंड तो बुआ ने बोला कि 3 दिन करेंगे लगातार, कल किया था फिर आज किया, आज फ्रस्ट भी मेरे कल तक मेरी बॉडी में 6 जगह पेन था, आई स्टिल हैव दोज इंजरीज, बट अब पेन नहीं है, आई एम फीलिंग मच मोर लाइटर। मुझे बिलीव नहीं होता था नज़र नज़र में कुछ होता है। एंड एक और चीज़, मेरी रुद्राक्ष की जो माला थी वो टूट गई, इमेजिन करोगे टूट गई वो, मतलब ऐसे भी नहीं कुछ हुआ, आई वॉज जस्ट नॉर्मली वॉकिंग और अपने आप खुल गई और ऐसे नीचे गिर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ,
इतना ही बुरा मत जाओ मेरा, मतलब ट्रस्ट मी, मैं अपनी लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा होना चाहिए तुम लोग, इतना बुरा मत जाओ मैं। क्या तुम कुछ उखाड़ी नहीं पाओगे? वो बैठे होता आज नहीं तो चार दिन बाद मिल जाएगा, पर मिल जाएगा। बाकी सबको प्यार ऐसे बताना चाहता था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माय लाइफ आई एम बीइंग सो हैप्पी कि मैंने कोई भी शेड्यूल इतना टाइम नहीं फॉलो नहीं, मैंने कभी लाइफ इतना सीरियस ही नहीं रहा। आई मीन आई वॉज नेवर दिस सीरियस फॉर माई वर्कआउट्स, अब हो रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है, डिसिप्लिन हो रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ बाहर का तो देखो अभी भी खाता हूँ, बट ट्रस्ट मी अगर मैंने 90 दिन फॉलो कर दिया, यू गाइस विल सी अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिजिक। तुम पहचान नहीं पाओगे मैं क्या कर सकता हूँ फिजिक के साथ, जैसे जेनेटिक मेटाबॉलिज्म तो मेरा ऐसा है कि मैं कुछ भी खाता हूँ सब लगता है, सब कुछ। वो एक कहावत है कि पहाड़ी अगर पत्थर भी खा ले उसे वो भी बच जाता है, मेरा वही हाल है। चलो अब मिलते हैं घर पे, तेरी माँ ने मेरा खाना बना रखा होगा। देहरादून के लिए 10 बजे बहुत लेट है, मेरे को घर जाना पड़ेगा 10 बजे, वरना खाना नहीं मिलेगा। ओके बाय बाय, आई होप सब दिख रहा हो, वरना फिर से शूट करना पड़ जाएगा। तो एक तो मेरे पास यहाँ पे मेरा ट्रायपॉड नहीं है, तो आई डोंट नो मैं कैसे शूट करूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, मैंने ऐसे पूरा एपिसोड नहीं देखा, बट मैं सोने जा रहा था और मैं लास्ट काम पूरा दिन में करता हूँ, दैट इज सोने से पहले अपना प्रोटीन पीना। ओ फक, मैं लगता है ये भी ख़त्म हो गया। सो आई वुड इंसिस्ट बिग मसल दैट मेरा बॉक्स ख़त्म हो गया, प्लीज़ मुझे भिजवा दो, मतलब भिजवा के दो, सॉरी। नीचे पड़ा है एक और बॉक्स, बट द प्रॉब्लम है वो भी 6-7 दिन का ही होगा, जब तक भिजवा हो गया। ये जो मैंने डब्बा फेंक दिया ये नहीं फेंकना चाहिए था। सो हाँ, थोड़ी प्रोटीन पे चर्चा कर लेते हैं, मजाक कर। हाँ तो द पॉइंट इज कि आज मैं एपिसोड देख रहा था एंड आई रियलाइज कि लोग कितना ज्यादा वीडीज में बोले हैं, एंड आई रियलाइज कि मैंने एक रियलिटी शो किया तो मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा किया जा सकता है। दिस कॉल्ड बीइंग डंप, मतलब बहुत ही डंप फील हुआ मुझे आज देख के। ठीक है, इट वेंट लाइक दैट, बट ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, जो भी शो देख रही है, दैट वॉज अ लव शो। मैं उतने झगड़े करना पसंद नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली लोग ओवर रिएक्ट करते हैं शो में, ओवर ज़्यादा ही बोलते हैं, एंड मेरे जैसे इंसान जो पहले से बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, फॉर मी करने की भी जरूरत नहीं, मुझे छोटी सी उंगली कोई करेगा मैं उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया, मैंने कहा चलो कंट्रोल करते हैं शो में। मेरी जो लड़ाई हुई होगी वो अनिका से हुई होगी किसी बात पर, क्योंकि ऑब्वियसली वैन यू मतलब अब लेटर ऑन देखोगे आप शो में, आई डोंट नो, बट अभी भी वो एक फेज़ होता है ना इंसान का, उस पर स्पार्क फील हो जाता है कि हाँ ये लड़की है ये लड़का है, तो यू स्टार्ट फीलिंग फॉर देम, चाहे वो थोड़ा ही होता है, बट आपको ना बुरा लगता है जब वो कुछ भी आपको शक करता है आपसे कुछ भी। तो मेरी जो बहस होती थी वो उससे ही होती थी हर चीज़, मुझे कई चीज़ें पता भी नहीं जाता है कि शो में ये भी हो रहा है। जैसे ये आज अगर आपने एपिसोड कि कल अपलोड होगा लो, तो कल जो आपने एपिसोड देखा होगा उसमें हर्ष और वैशाली जो वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बात हो रही है। इमेजिन आकृति वॉज फ्रेंड ऑफ अनेका, पर मेरे तक वो बात ही नहीं आई थी कि खनक ने ऐसा कुछ किया, क्योंकि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द गेम। बट आई मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, मुझे किसी ने भेजा कि कुछ लोग अपने यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं हर एपिसोड का, एक मतलब क्यों शो में कम किया गया, तुमने काफ़ी कर रखा है यार, अब क्या है तुम क्लियर कर लो। बाकी आई गेस आप लोग शो एंजॉय करो, एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट जो मेरा और अनिका का है जो हम बाहर शेयर करते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द शो, नॉट फ्रॉम द शो, जो बना शो में बना है, बट व्हाट आई फेल्ट फॉर हर मतलब शो पे कैमरा चल रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं था। मेरी कई बातें उससे कहीं क्या 80% बातें हमारी ऑफ कैमरा होती थी, हम लोग शर्माने लग गए थे कैमरा के आगे, क्योंकि द फीलिंग्स आर दैट जेन्युइन। आप आगे देखोगे शायद, आई डोंट नो, अभी भी एक कोई आज ही रील मैंने देखी मैंने अपनी स्टोरी पर शेयर किया आपको जब ब्लॉग्स में डालेगा। हाँ तो देर इज़ अ फुटेज जो मेरे को लग रहा था कि कैमरा हमें नोटिस नहीं कर रहा, कैमरा भी राजा शोभिका पे है,
दोनों के बीच से फुटेज निकल गई ना, लाइक शिट मैन ये क्यों मारा गई, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट हैपेंस व्हेन यू आर विद समवन. बाकी शो एंजॉय करो. और मेरी एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी कि बाकी लोग शायद लाइव ज़्यादा जा रहे हैं, मैं आ नहीं पा रहा हूँ उतना डिस्कस करने आप लोगों से, क्योंकि व्हाट आई फेल्ट आफ्टर रोडीज इज कि जब रोडीज हो जाता है ना तो उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, कोई भी रियलिटी शो जाता है उसके बाद अब वो एयर हो रहा है, आप उसी पर पटके हो, मुझे वहाँ नहीं रहना. मैं आऊँगा कभी कभी लाइव जब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा जो पहले मैंने बोला नहीं है अब बताना चाहता हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपने पे काम करना है. मैं चाहता हूँ कि जब ये शो ख़त्म हो लोग सिर्फ मेरे को इस तरह जानते हो कि वो इसने स्पिट चला गया है, मैंने उन 3 महीनों में भी कुछ कर दिया है जिससे लोग मुझे जानते हैं. सो आई गेस आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं और काम करने की कोशिश करूँगा. तब तक आप लोग इन लोगों की लाइफ एंजॉय करो और मैं अपनी बॉडी बना लेता हूँ. बाकी इसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस दैट आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कोई भी प्रोटीन अफोर्ड कर सकता हूँ, बट स्टिल आई वुड से स्टूडेंट्स या जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता, तो चीज़ें सही प्राइस में मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वेग मसल इज़ डूइंग दैट, यू गाइस शुड सपोर्ट इट. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरा वादा है, एक भी सप्लीमेंट ख़राब नहीं मिलेगा. बट डू रिमेंबर वन थिंग, इनकी साइड से ऑर्डर करो और कहीं से भी नहीं, चाहे फिर आप टेस्ट करा के देख लो, कुछ करा के देख लो, कुछ ख़राब नहीं निकलेगा, जितना क्लेम्ड है उतना ही मिलेगा. मैं तो खुद लेता हूँ प्रीमियम गोल्ड में, आपको जो प्रोटीन पसंद हो आप बोलो. एंड अगर आप मुझे भाई मानते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. मेरा कोड है BM Shivet, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में से खरीदने का लिंक भी है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में. मैं ट्राई करूँगा जब तक मैं देहरादून हूँ मैं थोड़े और रेगुलर ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि यार तुम भी तो मेरा प्यार हो. और एक और चीज़ फॉर मी यू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अपना ये चैनल मोनेटाइज नहीं किया है. ट्रस्ट मी गाइस, मैं कभी मोनेटाइज नहीं करूँगा, माई ब्लॉगिंग चैनल विल नेवर बी मोनेटाइज, ताकि तुम लोगों को कभी कोई ऐड ना मिले इसमें. एंड आई गेस आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई पॉडकास्ट चैनल वेरी सून, इफ एवरीथिंग गोज वेल दिस मंथ, अगले महीने से शायद मैं स्टार्ट कर दूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सॉरी पर वो मोनेटाइज रहेगा, उसमें पैसा लगेगा ब्रो, ऑब्वियसली कैमराज लगेंगे तो थोड़ा तो तुम देख लोगे 2-4 ऐड तो मुझे पैसा मिल जाएगा और क्या. बाकी तब तक के लिए सायोनारा, आई लव यू. एंड जस्ट वन मोर थिंग, अगर कभी लड़ाई हो भी जाती है मेरी अनिका की फ्यूचर में, वी फॉलो अनफॉलो ईच अदर, नो वरी गाइस, हम दोनों थोड़े गुस्सैल हैं, दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो ऐसा हो जाता है, बट व्हाट वी फील फॉर ईच अदर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, तो हम वापस भी जल्दी आ जाते हैं. मतलब हाँ, जब हमें गुस्सा होता था हमारी ईगोज बहुत ऊँची होती है, पर जब वो गुस्सा ख़त्म होता है ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक बार सॉरी बोल रहे हैं 100 बार, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं. बाकी लव यू ऑल एंड प्लीज़ इतना जल्दी रील्स में बनाने लग जाएगा, दे आर ओवर, नहीं हो रहा ख़त्म, तो वरी तुम एंजॉय करोगे भी बहुत साल.